मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः नमः। शुशरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और ऐसा रोज का पंचांग किसी ज्योतिष के माध्यम से अगर आप सुनते हैं तो नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन हम इसके लिए पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए, हमारी वास्तु पवित्र होनी चाहिए, शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए, हमारी भक्ति, हमारा गॉड हाउस जो भी है वो सब शास्त्र के अनुसार होने चाहिए दोस्तों, तब जाकर हम इसके लायक बन सकते हैं दोस्तों। अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ, इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का, आज बृहस्पतिवार, तारीख 1 जून 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की द्वादशी तिथि है। 1:40 के बाद त्रयोदशी आरंभ होगी। नक्षत्र दोस्तों चित्रा नक्षत्र है। सुबह 6:48 के बाद हस्त नक्षत्र स्वाति नक्षत्र शुरू होगा दोस्तों। क्षमा करें दोस्तों, हस्त की वजह स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। योग एक दोस्तों वरियान योग है। शाम को 6:59 के बाद परिग योग आरंभ होगा। करण दोस्तों बालव करण है। दोपहर 1:40 के बाद कौलव करण और मध्य रात 1:20 के बाद तैतिल करण आरंभ होगा दोस्तों। दोस्तों प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज वृषभ राशि में होगा, चांद तुल राशि में, बृहस्पति मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे दोस्तों। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस प्रकार होगा। आगमन सुबह 6:02 पर होगा, निगमन रात को 7:11 पर होगा दोस्तों। दोस्तों आज की पूजा का संकल्प हम इसी पंचांग के आधार से करते हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े चावल और एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले लें और ये छोटा सा संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो राधने, प्रवर्त मानस ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, श्वेत वराह कल्पे, वैवस्वत मन्वंतरे, कलियुगे प्रथम पादे, जम्बूद्वीपे, भरतवर्ष, भरतखंडे, मेरो दक्षिण दिग्भागे, महाराष्ट्र देश, व्यावहारिक चांद्रमाने, शालिवान शक 1945, प्रभावादि षष्ठी सवत्सरों में, शोभन नाम सवत्सरे, उत्तरायणी ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मासे, शुक्ल पक्षे, बृहस्पति वासरे, चित्रा नक्षत्रे, वरियान योगे, बालव करने, द्वादशी शुभति तो मनोगोत्रों में उत्पन्न मय कड़प्पा, मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों अब अपनी दाहिनी हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो छोड़ दो दोस्तों सामने वाली थाली में, क्योंकि संकल्प यही पर खत्म होता है। इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 6 सुबह दोस्तों सुबह 6:48 तक है। अगर आपको इस समय के बाद कोई संकल्प छोड़ना है तो इस ऊपर वाली पंचांग का सहारा आपको देना होगा दोस्तों, तभी जाकर आपका पंचांग सही आएगा और संकल्प भी सही होगा दोस्तों। दोस्तों अभी कुछ धार्मिक विधियों के मुहूर्त हम देखेंगे। सगाई तथा मंगनी के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों, तारीख है 1, 7, 8, 11, 12, 13 और 14। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 8। नामकरण के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 1, 8, 10, 12 और 14। मुंडन या चूड़ा कर्म के लिए तारीख दी गई है 1, 8, 14। गृह प्रवेश के लिए तारीख दिए गए हैं 1, 8, 10, 12 और 14। जनेऊ संस्कार के लिए दोस्तों तारीख 6 और 8। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है 1, 3, 7, 8, 11, 12, 13 और 14। वास्तु शांति के लिए तारीख मुहूर्त है 1, 8, 10, 12 और 14। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए
मुहूर्त है दोस्तों, तारीख 14 और 15। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप किसी भी देवी देवताओं की करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों, तारीख 1, 8, 12 और 14। दोस्तों इन पंचांग में, इस मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है, इसे जानकर ही आप अपने लिए मुहूर्त चयन करें किसी पंचांगधारी से या ज्योतिषी से या किसी पंडित के माध्यम से। दोस्तों इन इन मुहूर्तों के अलावा अपने तरीके से या अपने अज्ञान की वजह से या अपने सुख के खातिर या कोई एडजस्टमेंट के खातिर या अपने धर्मद्वेष के खातिर खुद होकर किसी पंडित के सहारे मुहूर्त ना निकाले या किसी पंडित को अपने हिसाब से मुहूर्त निकालने के लिए मजबूर ना करें। दोस्तों दोस्तों पंचांग में दिए गए इन मुहूर्तों के अलावा और भी कुछ मुहूर्त हटके दिए गए हैं, गौण काल या आपातकाल या चातुर्मास काल या कुछ ग्रहों का अस्तकाल, इनका भी आप चयन ना करें क्योंकि यह मुहूर्त आम जनता के लिए नहीं होते हैं, इमरजेंसी लोगों के लिए होते हैं। जैसे कि किसी को विदेश जाना आना होता है या परलोक जाने वाली की इच्छा पूरी करनी होती है या किसी दुल्हा दुल्हन को जबरदस्ती से रिश्ते में बांधने के लिए। दोस्तों इस इमरजेंसी मुहूर्त काल में संपन्न होने वाले धार्मिक विधि से हम कितना खुश हो पाएंगे, कुछ कहा नहीं जाएगा। दोस्तों इन मुहूर्तों में कुछ कमी की वजह से उल्टे हमारे दोष बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों अब पंचांग में जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई है वो आप हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों आज का शुभ दिन है। दिन विशेष दोस्तों प्रदोष व्रत है आज और शिवलिंग पूजा आपको करनी है। जो शिव भक्त इस प्रदोष व्रत का आचरण करते हैं उन्हें जरूर शिवालय में जाके शिवलिंग की पूजा विधि विधान से जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया उस हिसाब से आपको करनी है। दोस्तों उपवास भी करना है। दोस्तों अग्निवास धरती पर है दोस्तों दोपहर 1:40 के बाद, तभी जाकर आप नया जो भी आपका यज्ञ कर्म कांड होगा वो कर सकते हैं। रेगुलर आप कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों राहु काल दोस्तों दोपहर 1:30 से 3 बजे तक है। कृपा करके इस काल में आप आपकी जो महत्वपूर्ण काम है वो ना करें, वो और कोई का समय में करें ताकि आपको इस उसमें आसानी से यश प्राप्त हो। दोस्तों संकल्प के साथ की गई पूजा जो होती है वो शत प्रतिशत जल्द फलदायी होती है क्योंकि हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचार से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आपका अपना कमेंट्स जरूर देना है। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। दोस्तों हरिओम, शिव शंभो महादेव।